नमस्कार। अभय न्यूज के 6 अक्टूबर शाम के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। बुधवार 7 अक्टूबर को अश्विन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:47 तक रहेगी। 7 अक्टूबर को गुरु गोविंद सिंह जी अनंत प्रकाश में एकाकार हो गए थे। 7 अक्टूबर 1992 को ही देश में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। आइए अब आपको लेके चलते हैं उज्जैन शहर की खबरों की ओर। अभय न्यूज के बुलेटिन डायमंड सेट ज्वेलरी ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 7 मिर्जा नई बिग मार्ग उज्जैन। दोस्तों, कोविड अनलॉक के बाद बड़े कोविड संक्रमण के कारण बतौर सतर्कता हमारी टीम ने अपने दर्शकों को सम्मानित करने और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट प्रदान करने का सिलसिला कुछ दिनों से रोके रखा था। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आपके लोकप्रिय चैनल अभय न्यूज़ द्वारा हमेशा अपने सुधी दर्शकों को सम्मानित किया जाता रहेगा। मंगलवार को हमारी टीम महानंदा नगर कॉम्प्लेक्स में टी स्टॉल संचालित करने वाले श्री नरेंद्र गुर्जर तक पहुंची और उन्हें सम्मानित कर सरप्राइज गिफ्ट प्रदान किया। हमारा आपसे वादा है, अभय न्यूज़ का बुलेटिन लगातार शेयर करते रहें। हम एक दिन ज़रूर आपके दरवाजे पर भी पहुंचकर आपको इसी तरह सम्मानित ज़रूर करेंगे। हमारी अभय न्यूज़ की टॉप फैंस की लिस्ट में चयनित हुए हैं, तो अभय न्यूज़ परिवार की ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नरेंद्र जी, अभय न्यूज़ के बारे में बताएं, आपको कैसा लगता है और इसकी खबरों के बारे में कोई विचार प्रकट करें। अभय न्यूज़ अच्छी चैनल है, बढ़िया न्यूज़ देता है, सारी न्यूज़ देखने लायक है ना, और ज़्यादा देखने लायक है, ज़्यादा लाइक करो उसको, ज़्यादा अच्छी लगती है। दर्शकों को भी यही संदेश है कि ज़्यादा देखें उसको, ज़्यादा लाइक करें, अपने सबको मित्रों को बताएं कि न्यूज़ बढ़िया है, अच्छी न्यूज़ है उज्जैन शहर के लिए, सबके लिए। नमस्कार, आज आप मिले नरेंद्र गुर्जर जी से। महानंदा नगर निवासी हैं नरेंद्र जी, और अभय न्यूज़ को काफ़ी समय से वो लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आज हमारी चयनित सूची में उनका प्रारंभ हुआ था। हम सब आप लोगों से भी, दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप भी अभय न्यूज़ को देखें, कमेंट्स करें, शेयर करें और उसे पसंद करें, तो किसी दिन हम भी आपकी पूरी टीम के साथ आपके दरवाजे पर होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल ऐप पर प्री बुकिंग नहीं करा पाने वाले श्रद्धालुओं से 100 रुपये दान लेकर दर्शन की अनुमति जारी करने वाले प्रशासनिक प्रयोग की अब आलोचना शुरू हो गई है। मंगलवार को सांसद अनिल फिरोजिया ने भी इस पर आपत्ति ली। सांसद ने कहा कि अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, अगली बार जब कभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी तब इस मुद्दे पर बात की जाएगी। कि अधिकारी यहाँ पे जो आते हैं वो साल दो साल के लिए आते हैं, वो चाहे कोई भी अधिकारी हो, पर ये देखने में आ रहा है कि अधिकारी आके यहाँ महाकाल पे प्रयोगशाला बना दिया हमारे मंदिर को, जो श्रद्धालुओं के ऊपर कोई ना कोई नियम छोपते जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे उज्जैन में वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व मंत्री भारत जी जैन है, यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी हैं, मैं खुद सांसद हूँ। जनप्रतिनिधियों को ना तो विश्वास में दिया गया ना हमको बताया गया, और निर्णय लेने से पहले यहाँ पे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनको तो विश्वास में लेते और ये निर्णय करते। इन्होंने बैठ के निर्णय लिया है जो गलत है। मेरा ये मानना है कि भगवान के सामने ना तो कोई राजा है ना कोई रंग है, जो भी आ रहा है वो श्रद्धालु है और वो आता है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर शुल्क नहीं लगाना चाहिए, सरासर गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मांग करता हूँ कि ये जो इनने शुल्क लगाया है इसको हटाना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कराने के एवज में रुपए वसूलने वाली व्यवस्था पर कांग्रेस भी मुखर है। कांग्रेस ने इस नई व्यवस्था पर असंतोष जाहिर करते हुए आंदोलन तक की बात कही है। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से आज पढ़ने में आया कि महाकाल प्रबंधन समिति की बैठक हुई और उज्जैन जिले के कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और अनेकों निर्णय हुए। जो चीज़ें सामने आई है, 101 रुपये की रसीद
का प्रावधान रखा उन्होंने आम दर्शनार्थी के लिए, वह गलत है। इसलिए गलत है कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और पूरे वर्ल्ड में उज्जैन को पहचाना जाता है क्योंकि 12 साल में एक बार सिंहस्थ यहाँ रहता है। निश्चित तौर पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए 101 रुपये का जो प्रावधान रखा है वो सरासर गलत है, जनता पे थोपा जा रहा है। अभी मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बैठक करके और इसको एक आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा और आम कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत ताकत से उठाएगी और इसको कैंसिल कराने का प्रयास करेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रविवार सुबह से ही महाकालेश्वर मंदिर में नई व्यवस्था लागू हुई है। ऐसे दर्शनार्थी जो मोबाइल ऐप पर प्री बुकिंग नहीं कराने के बावजूद मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं उनके लिए 100 रुपये की दान रसीद काटकर उन्हें दर्शन कराने की अनुमति जारी की जा रही है। रविवार सुबह से लागू हुई नई व्यवस्था के तहत मंगलवार शाम तक महाकालेश्वर मंदिर समिति को 5,45,300 रुपये की आय भी प्राप्त हो गई है। नई व्यवस्था का भले ही विरोध हो रहा हो लेकिन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का इस मामले पर अलग ही तर्क है। समिति से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि अनलॉक के बाद से प्री बुकिंग के अलावा भी कई दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले ये लोग प्रवेश के लिए दलालों को रुपए दे रहे थे और अब मंदिर समिति ने इस गोरख धंधे को बंद कर सीधे दर्शनार्थियों से दान राशि लेकर प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे मंदिर की आय बढ़ी है और अवैध प्रवेश पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के विरोध में मंगलवार सुबह शहर व जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्षीर सागर पर मौन धरना दिया। क्षीर सागर उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर घटना के प्रति अपना रोष जताया। आज हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुखिया कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार आज हमने जो उत्तर प्रदेश में जिस टाइप से एक हमारी बहन मनीषा के जो खिलाफ एक रेप जो किया गया मां के दमंग व्यक्ति ने, उसके खिलाफ हमने यहां पे धरना दिया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आए दिन ये चीज़ वापस हो गई क्योंकि यहां पे भी बीजेपी का राज है। इसलिए हमने यहां पे मौन व्रत रखकर इनको चेताया कि आप देश में क्या हो रहा है। ये आज हाथरस में उत्तर प्रदेश में जो दलित बच्ची के साथ जो व्यवहार हुआ है और उसकी हत्या हुई है उसके विरोध में था और हमारे मध्य प्रदेश में भी आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और दलितों के साथ अन्याय भी हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की भी हालत ख़राब है, इसके विषय में आज ये उपवास। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन, क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल नानकहेड़ा उज्जैन। चिमनगंज थाना क्षेत्र के यादव नगर इलाके में 5 बच्चों की मां को पति द्वारा 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम में पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर पति मोहम्मद इरफान के खिलाफ नए 3 तलाक विरोधी कानून के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। 3 बेटियों और 2 बेटों की मां इस 35 साल की युवती ने बताया कि उसका विवाह 20 साल पहले हुआ था। पति अक्सर मारपीट करता है और अब उसने 3 तलाक दे दिया है। हमारे शहर उज्जैन में चिकित्सा सुविधाओं में पिछले कुछ समय में काफ़ी सुधार हुआ है। कोविड के काल ने हमारे शहर को माधव नगर के रूप में एक और अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी दे दी है लेकिन गांव में अब भी बुरा हाल है। प्रशासन झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का लाख दावा करे लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गांव में अब भी चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर झोला छाप ही भरे पड़े हैं। ऐसे ही एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर के खिलाफ मंगलवार को उन्हेल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस डॉक्टर का नाम है कार्तिक विश्वास। कार्तिक विश्वास के पास होम्योपैथी की डिग्री संबंधी दस्तावेज हैं। वह उन्हेल के नज़दीक लेकोड़ा अंजना गांव में क्लिनिक चलाता है। 28 अगस्त को पलसोड़ा गांव में रहने वाली महिला सपनापति करणनाथ की तबीयत बिगड़ी तो परिवार के लोग उसे कार्तिक विश्वास के पास लेकर गए। कार्तिक विश्वास ने इस महिलाओं को कुछ इंजेक्शन लगाए। इस इलाज के बाद महिला सपना की हालत कैसी हो गई आप खुद ही देखिए। हो सकता है सपना की हालत देखकर आप थोड़े विचलित भी हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि इस महिला के 3 बच्चों और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। इनके पास इतने रुपए भी नहीं हैं कि ये लोग सपना का किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करा सकें, लिहाजा ये लोग न्याय की आस लेकर उन्हें थाने पहुँचे। थाना प्रभारी दौलतराम जोगावत के अनुसार सपना को शासकीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नगर निगम उज्जैन लॉकडाउन की अवधि, लॉकडाउन के बाद की अवधि में इस संस्था के कर्मचारियों की मनमानी के कई सारे वीडियो फुटेज आपके सामने आए हैं, जिनसे यह साफ प्रतीत होता है कि नगर निगम के कर्मचारियों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। मंगलवार को फिर से नगर निगम अमले की ऐसी ही करतूत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है। मंगलवार दोपहर नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अमला फ्रीगंज में शिव मंदिर चौराहे पर पहुंचा और यहां सड़क किनारे ठेला लगाकर कारोबार करने वाले लोगों को खदेड़ दिया। फलों का ठेला लगाने वाले बंशी नामक युवक ने कार्रवाई का विरोध किया तो उसका सामान सड़क पर फेंक कर उसका ठेला जर्जर कर दिया गया। बंशी रोता रहा, विरोध करता रहा, एक ने भी उसकी नहीं सुनी। नया मैंने ठेला चालू करा वापस से, जिसके जैसे 10,000 का लोन मिला था मुझको, वैसे मैंने पैसे करके और ठेला लगाया। और नगर निगम के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कांग्रेस युवा के नेताओं के चक्करों में कि मतलब ना से ठेला हटाना पड़ेगा कि तेरे को 3,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, और मतलब कि तू, मैं नगर निगम की ऑलरेडी पर्ची भी कटवाता हूँ, ऐसा नहीं कि पर्ची नहीं कटवाता, 20 रुपये रोज की पर्ची भी कटवाता हूँ, और मतलब कभी वो 30 भी ले जाते हैं, कभी 20 भी ले जाते हैं, और मतलब अवैध वसूली चल रही है मतलब बिन फोकट की, और मतलब मेरा ठेला वेला सब भर के ले गए। आज अफसर लोगों से भी मैंने बात करने की कोशिश करी तो उन अफसरों ने भी कुछ सुनवाई नहीं करी। गुरुवार 8 अक्टूबर को हमारे शहर उज्जैन को एक और सौगात मिलने वाली है। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की बिल्डिंग का 8 अक्टूबर की शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव लोकार्पण करेंगे। लॉ कॉलेज की नई बिल्डिंग देवास रोड पर सोयाबीन प्लांट के परिसर में बनकर तैयार हुई है। विश्व बैंक परियोजना और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त बजट से इसका निर्माण किया गया है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं यहां। रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारियों के बीच नए सिरे से कार्य विभाजन किया है। उज्जैन में पूर्व में पदस्थ रहे नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी को पुनः पदस्थापना पर एडीएम का दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने 8 बदमाशों को 1 साल के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिला बदर किए गए 6 बदमाश उज्जैन शहर के हैं, जबकि 1 घटिया और 1 नागदा से है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मंगलवार को परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे। यहां विजय शाह ने महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय की पूर्णाहुति में भाग लिया। कुछ दिनों पहले विजय शाह कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए थे। उनके कुशल स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय के जाप करवाए गए थे। उज्जैन की बालिका श्रिया मोगे ने जेईई एडवांस परीक्षा में देश में 402वीं रैंक लाकर टॉप किया है। इस बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा में देश के 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में शिप्रा नदी से सोमवार शाम मिली लाश की शिनाख्त कैलाश उम्र 52 साल निवासी ग्राम पंचेड़ के रूप में हुई है। कैलाश अपने घर से 3 दिन से लापता था। भूखी माता इलाके से जब्त हुए शराब से भरे वाहन के मामले में नीलगंगा पुलिस ने गाड़ी मालिक योगेंद्र मालवीय निवासी भैरवगढ़ और तस्कर धर्मेंद्र निवासी निनोरा को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं से पूछताछ के बाद इस मामले में 3 और आरोपी धर लिए गए हैं। तो ये थी आज शाम के बुलेटिन की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ, इसी समय जय श्री महाकाल।